तो देखो बच्चों, जैसा कि मैंने गुरुत्वाकर्षण का मैंने दो न्यूमेरिकल दिए हैं, कितने न्यूमेरिकल? तो दो न्यूमेरिकल जो दिए हैं बच्चों, उसमें जो है क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि 19.6 मीटर ऊंचाई की एक मीनार, कितनी मीनार आचल? एक मीनार 19.6 मीटर ऊंचाई की जो एक मीनार है, ठीक है ना बच्चों, मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? मान लीजिए कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी हो, 19.6 मीटर, और यहां से पत्थर छोड़ा जाता है नीचे की ओर, तो ये क्या होगा बच्चों? यच हाइट होगी। तो एक क्वेश्चन जो है इसमें सबसे पहली बात तो ये है, इसकी हाइट हमको दिया है 19.6 मीटर, कोई दिक्कत तो है नहीं। फिर क्या कह रहा है, छोड़ी जाती है। अच्छा एक बात और यहां पे देखो, क्वेश्चन में कितना बढ़िया बनाया है, 19.6 मीटर से जब ऊंचाई से कोई पत्थर जब छोड़ा जाएगा मनसा, तो ये बताओ कि वह उसका जो इस माने इनिशियल वेलोसिटी होगा, प्रारंभिक वेग, वो क्या होगा? प्रारंभिक वेग को किससे प्रदर्शित करते हो? यू से। तो यू बताओ क्या है ना, यू क्या होगा? अरे जब छोड़ा जाता है तो स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है, अस्वतंत्र रूप से छोड़ा जाएगा तो यू इक्वल टू, यानी कि प्रारंभिक वेग भी हमको पता है, यू बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? मैं कितनी बार क्लास में बताया हूं कि जब कोई पिंड प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाए और स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी जाए तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होता है? होता है ना जी। फिर कह रहा है क्या, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। ये बताओ अंतिम वेग को किससे प्रदर्शित करता है? यानी हमको चाहिए क्या बच्चों? भी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे एच दिया है, यू दिया, भी दिया है। जब कोई पिंड एच ऊंचाई से गिराई जाती है तो उस पर कोई त्वरण काम करता है कि नहीं करता है? कौन सा त्वरण? अरे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, और वह गुरुत्वीय त्वरण को किससे प्रदर्शित करता है? जी से। तो जी हमको दिया नहीं लेकिन हमको चाहिए, तो जी बराबर कितना? जब जी न दिया हो तो मैंने बताया था क्लास में, जब जी देता है तो जी बराबर 10 दे देता है, तो 10 दे देता है, लेकिन नहीं देता है तो कितना लेते हैं? 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर बोलते हैं। तो ये देखो जी का मान हो गया 9.8 मीटर प्रति सेकंड का। एक बात बताओ कि हमारे पास एच भी रहा, यू भी रहा, वी भी रहा और जी भी रहा, तो गति का कौन सा इक्वेशन लगेगा? पहले में कहा एच होता है क्या? गति का कौन सा समीकरण? थर्ड ला, गति के तीसरे समीकरण से, गति के किससे? तीसरे, गति के तीसरे समीकरण से। गति का जो तीसरा समीकरण होता है कौन बताएगा? बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू, एक जगह पे जी हो जाएगा ना जी, टू जी यच, क्योंकि पत्थर नीचे गिर रहा है इसलिए जी क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। तो जी जब पॉजिटिव हो जाएगा तो बी का मान तो पूछा गया बच्चों, तो बी का स्क्वायर बराबर यू का स्क्वायर, यू का वैल्यू कितना है? शून्य का स्क्वायर, अब प्लस टू, और जी का मान कितना है बच्चों? 9.8, और एच का मान कितना है बच्चों? 19.6 कितना? 6 हो जाएगा। तो यहां से बी का स्क्वायर बराबर, ये देखिए जीरो का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, हो जाएगा ना मिंतेश? उसके बाद से 2 का 98 में 9.8 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 9.18 हो जाएगा ना, और 98 दूसरे गुना हो जाएगा 196, और 10 कितने अंक पर लगेगा? एक अंक पे, यानी लगेगा 196, यानी 19.6 मल्टीप्लाई इसका करोगे बच्चों तो 19.6 कितना आएगा? आएगा कि नहीं आएगा जी? सुनो ना, तो 19.6 आप गुणे 19.6 कितना? 6, इधर है स्क्वायर, हमको चाहिए अंतिम वेग ना, तो ये बताओ भी स्क्वायर चाहिए कि भी चाहिए?
भी चाहिए, तो भी बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट में होगा, तो भी बराबर रूट में 19.6 × 19.6। कितना मजेदार क्वेश्चन है, इसका पेयर बन गया एक नहीं बन गया, और वर्गमूल जब निकालते तो जोड़ा निकालते तो 19.6 × 19.6, जब ये पेयर बन गया तो डायरेक्ट वर्गमूल इसका 19.6 नहीं हो जाएगा खुशी, तो हो जाएगा भी बराबर 19.6 वेग है ना मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिंड कंकड़ ऊंचाई कितना ऊंचाई था 19.6 ऊंचाई से गिराया जा रहा था, वो पृथ्वी पर आते आते उसकी चाल कितनी हो जाएगी 19.6 मीटर प्रति सेकंड का। तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अगला बहुत मजेदार प्रश्न है, देखो इस प्रश्न को ध्यान से सुनना। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है दूसरा नंबर, वो क्वेश्चन जरा देखो, सवाल देखो समझने लायक है। कर एक गेंद को, किसको कोमल, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में, और मैंने ऊर्ध्वाधर बताया था, ऊर्ध्वाधर क्या किया था मैंने बताया था कि एक होता है ऊर्ध्वाधर को वर्टिकल कहते हैं, ये देखो ये क्षैतिज है और ये क्या है ऊर्ध्वाधर, मैंने ऊंचाई से, तो समझ रहे हो ना, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, कंकड़ को कहां गिराया जा रहा था और गेंद को कहां फेंका जा रहा है ऊपर फेंका जा रहा है ना। तो तुमको एक बात बताए थे हम, कहे थे कि जब कोई पिंड नीचे आए तो जी निगेटिव की पॉजिटिव, ऊपर से जब नीचे आए तो क्या, पत्थर जब गिर रहा था तो प्लस नहीं है ना, लेकिन जब ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, ठीक ना, ऊपर जाएगा तो जी का मान क्या होगा, निगेटिव होगा, ग्रेविटी के विरुद्ध जा रहा है ना, तो इसलिए जी का मान क्या होगा, निगेटिव। तो गेंद को गिराया जा रहा है कि ऊपर फेंका जा रहा है, ऊपर फेंका जा रहा है। तो देखो जरा, कह रहा है कि एक गेंद को द्वारदा दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, ये बताओ 49 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंका जा रहा है, क्या किया जा रहा है बच्चों, तो फेंका जा रहा, तो बताओ क्या है, वो वेग है ना, तो किससे डिनोट करते हैं, प्रारंभिक वेग को भी से प्रदर्शित करते हैं, प्रारंभिक वेग को यू से प्रदर्शित करते हैं, अंतिमा प्रारंभिक वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यू है ना, यू का मान आ गया तुम्हारा 49 मीटर प्रति सेकंड। फिर क्या हुआ, ठीक ना, 49 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंकी जाती है। चलो तो ज्ञात कीजिए, पहला प्रश्न ये पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए, इसमें दो क्वेश्चन वाले हैं, पहला पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, अधिकतम ऊंचाई जहां की गेंद पहुंचती है, तो ऊंचाई मैंने यच चाहिए ना, क्या चाहिए, यच चाहिए हमको, यच ज्ञात करना है, मैक्सिमम हाइट ज्ञात करनी है। एक बात तुम बताओ, यच चाहिए, आयु दिया है, और जब किसी पिंड को फेंक रहे हैं तो कुछ सोचो तुम, जी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जी का मान कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, क्लियर है ना, लेकिन जब फेंका जा रहा है तो जी किस में रहेगा, नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है ना। अच्छा ये बताओ, खुद मैंने कई बार कॉन्सेप्ट ये बताया था कि जब किसी पिंड को ऊपर फेंकते हैं तो उसका अंतिम वेग क्या होता है, एक समय ऐसा होगा कि पिंड जाकर रुकता होगा ना, तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो कौन शून्य हो गया बच्चों, भी शून्य हो गया, भी का मान कितना हो गया, और पहला क्वेश्चन में सिर्फ हमको चाहिए यच। अब देखो गति का कौन सा समीकरण, यच दिया है, यू दिया है, भी दिया है, जी दिया है, यच दिया है, यू दिया है, भी दिया है, जी दिया है, तो ये दूसरा कैसे होगा बच्चों, ये भी गति का कौन सा समीकरण, तो गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से, गति का तृतीय समीकरण बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस कितना 2gh, तो बी स्क्वायर का मान कितना हो गया, जीरो का स्क्वायर हुआ, बोलो मन सर, जीरो का, यू का मान कितना दिया है,
कुंचा, कुंचा इसकी स्क्वायर प्लस 2g = 9.8 और यस तो चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम और है, g का मान निगेटिव है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा, -9.8 तो हो जाएगा 49 का स्क्वायर, अब माइनस 98 का गुणा करोगे तो 9 × 18 19.6 कितना आ जाएगा, 6 ठीक है ना, होगा कि नहीं। इसको लेके आओ इधर, क्या करेंगे बच्चों, इधर लाते हैं तो जब मैं इधर लाऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 0 हो गया, अच्छा मैं इधर लाऊंगा तो 19.6 × 49 होगा कि नहीं होगा, इसे डिवाइड कर देंगे, यच बराबर 49 × 49 अब बटे 100 कितना, 96 माने पॉइंट में है, तो पॉइंट को हटाने के लिए अगर मैं 10 से गुणा कर दूं बच्चों, कैसे गुणा कर दो, ऊपर और नीचे के 10 खत्म हो गया ना, ये बताओ 49 × 4 कितना होता है, 49 × 4 होता है 196, ये 4 बार में कट गया, अब देखो 2 से कटेगा, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10, अब देखो यच बराबर बचा है बच्चों 49 है ना, 49 × ऊपर कितना है 5 और बट्टे में कितना है बच्चों, और तो कुछ नहीं बचा है ना, 2 से भाग कर लो, क्या कर ले, भाग कर ले 49 में, तुम भाग कर लो 2 से, तो 2 का करेंगे तो 2 × 2 = 4 हो गया, और 2 × 4 कितना होगा, और 10 बढ़ा करके 2 × 2 = 25 यानी कि 24 कितना रहा बच्चों, 24.5 और गुणे कितना बच गया है, 5 बच गया, इसका मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर ले बच्चों, तो 5 × 25 कितना होता है बच्चों, 25, अब 5 × 20 कितना हुआ 22, अब 5 × 2 कितना हुआ 10, और 10 × 2 = 12 आ गया ना, 10 कितने पे 1 अंक, ऊंचाई है ना, 122.5 कितना मीटर, 5 मीटर, क्लियर है पहला सवाल, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक और प्रश्न इसने पूछा, इसने ये कहा दूसरा प्रश्न भी इसमें, ठीक है ना बच्चों, इसमें दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर, वो पिन ऊपर जाता है ठीक ना, तो पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय, वापस लौटने में लिया गया कुल समय, सुना बच्चों ने, तो वापस लेने में कितना समय लगता है, समझ रहे हो, तो गति का कौन सा समीकरण, इसमें पूछ दिया टाइम, क्या पूछ दिया टाइम, तो गति के किस समीकरण से निकालेंगे, गति के द्वितीय समीकरण से, किससे, गति के द्वितीय समीकरण से, जरा देखिए द्वितीय समीकरण क्या होता है, h बराबर ut प्लस हाफ gt का, यही होता है बच्चों, बोलो, और नहीं तो अगर हम बी बराबर यू प्लस जी टी करें तो इससे भी तो आ जाएगा, हम इसी से निकाल देते हैं, गति के किस समीकरण से, हमको समय चाहिए ना, बोलो, तो गति के प्रथम समीकरण से, क्या गति के प्रथम समीकरण से, तो गति का प्रथम समीकरण होगा बी बराबर यू प्लस एटी के जगह पे जीटी होगा ना, तो अंतिम में क्या है, इसमें अंतिम में कितना है, बोलो ना बच्चों, शून्य है, ये हो गया शून्य, आयु का मान कितना है 49, अब प्लस जी का मान कितना है -9.8 आई टू कितना हो गया टी, इसको ला इधर, हो जाएगा ना, इधर जब आएगा तो आ जाएगा टी, हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी तो प्लस है ना, तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाए, माइनस क्या हो गया, चलो रुको, 0 = 49 अब प्लस माइनस का गुणा कितना हुआ -9.8t, इसको लाएंगे इधर 9.8t बराबर कितना हो गया बच्चों 49 हुआ कि नहीं हुआ, आप देखिए डिवाइड कर दीजिए, तो t बराबर 49/9 कितना, तुम एक बात बताओ, अगर मैं 0 को 10 को हटाना चाहूं तो 10 से क्या कर दो इसमें, तो ये 10 क्या हो जाएगा ना खत्म, तो टी बराबर 490 अब बटे कितना 98 पच्चे जानते हो कितना होता है 490 कितना बार में कट गया, तो टी बराबर कितना आ गया 5, तो एक बात बताओ,
करक हुआ पिंड नीचे आने में कुल कितना समय लिया? तो ये सिर जानते हो कहाँ की है? जब एक बार कोई पिंड ऊपर जाएगा तो कितना समय लगेगा? 5 सेकंड। तो आने में भी तो 5 सेकंड लगेगा। मैं 3 बात बताया था, किसी भी पिंड को जिस एंगल पर फेंकेंगे उसी एंगल पर गिरेगी। दूसरा बताया था, कोई भी पिंड जितना समय में ऊपर जाती है उतना ही समय में क्या होती है? तो ये बताओ, जाने का समय लगे 5, तो आने का समय कितना? तो कुल टोटल समय कितना? 10 हुआ। इसलिए लिखेंगे पिंड को, सुन रहे बच्चों, पिंड को पृथ्वी तक, कहां तक बच्चों? पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, लगा समय। एक बार ऊपर जाने में 5 सेकंड और फिर नीचे आने में कितना सेकंड? तो 5 और 10 कितना? कितना सेकंड? 10 सेकंड। बताओ कोमल, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ रहा है अभिनाव? तुमको समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन को मैं लगा दिया हूं, आप इसको समझ लीजिए, फिर हम कल एक नया वीडियो के साथ मिलेंगे।